हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराग और आप मेरे साथ देख रहे हैं लर्निंग लैब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने किसी भी वीडियो के अंदर आप वॉइस ओवर कैसे कर सकते हैं या अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली हम देख लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे एक नॉर्मल सी फुटेज है, एक वीडियो है जो मैंने रिकॉर्ड करा हुआ है। ये मेरे पास वीडियो है जिसके अंदर मैं कुछ अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके डालने वाला हूँ आपके सामने। जो स्टेप होंगे काफ़ी सिंपल स्टेप में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अपने वीडियो को आपको टाइमलाइन में लेके आना है। नेक्स्ट स्टेप आपको करना है, एक यहाँ पे और ऑडियो क्लिप क्रिएट करनी है। तो ये मेरा ऑडियो क्लिप का पैनल, तो यहाँ पे मुझे राइट क्लिक करना है, मुझे ऐड ट्रैक करना है। ऐड ट्रैक के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा मोनो का, देन स्टीरियो। हमें जो वॉइस ओवर करना है वो मोनो के अंदर करना है, सिंगल ट्रैक के अंदर। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ मोनो पे क्लिक। तो मेरे पास यहाँ एक और ऑडियो ट्रैक यहाँ पे हो गया है। जो मैं काम करने वाला हूँ फेयर लाइट टैप के अंदर करने वाला, तो मैं फेयर लाइट टैप में वापस चल जाता हूँ। तो सिंपली मुझे जो है ऐसा कुछ व्यू मिल रहा है। मे बी आपको कुछ ऐसा मिल रहा हो, आपकी विंडो छोटी हो, थोड़ी बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो आप अपने चीज़ों को क्लोज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे देखिए ये मिक्सर है, मिक्सर क्लोज करना है। मैं देखिए सॉरी, मिक्सर को यहाँ से कर देते हैं, इसको करना है मीटर पे यहाँ से कर देते हैं, इनको वापस ला भी सकते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है कैसे आपको लेके आना है, कैसे करना है। और यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ मेरे वीडियो यहाँ पे नज़र आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, मेरे पास ऑडियो टू जो है ये है, तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, क्योंकि जब बहुत सारी क्लिप हो जाती हैं तो नेमिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको आप नाम दे सकते हैं वॉइस ओवर का, या अपने अकॉर्डिंग जो आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं वैसा कुछ नाम दे दें। और नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसे सेलेक्ट करना है, देन आपको आना है यहाँ पर फेयर लाइट टैब में, और यहाँ पर हमें आ जाना है पैच इनपुट एंड आउटपुट में। जैसे पैच इनपुट एंड आउटपुट में आते हैं कुछ ऐसा ऑप्शन मिल जाता है, तो हमें जाना है ऑडियो इनपुट में। देन मुझे यहाँ पे माइक्रोफोन के जो ऑप्शन मिल रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड में से मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं फर्स्ट की तरफ जा रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे ट्रैक इनपुट का ऑप्शन मिल रहा है, मे भी जो आपको मिल रहा हो ऑडियो आउटपुट का भी ऑप्शन मिल सकता है। तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, ट्रैक इनपुट सेलेक्ट कर लेना है। देन जो हमारी ये ट्रैक था इसको हमने नेम दिया था वॉइस ओवर का, तो आपको क्या करना है वॉइस ओवर को सिलेक्ट कर लेना, देन क्लिक कर देना है पैच में। ये हमारा जो है देखिए यहाँ पे माइक्रोफोन वन में वॉइस ओवर आ गया है, तो अब मुझे इसे कर देना है क्लोज। अब रिकॉर्ड करने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे आपको आर का जो निशान बल रहा आर्म फॉर रिकॉर्ड का ऑप्शन है, इसको कर लेना है ऑन। ऑन करने के बाद जैसे मैं ऑन करता हूँ, यहाँ पे आप देख पाएंगे पूरी पैरामीटर्स, मेरी आवाज़ जो आ रही है पूरी पैरामीटर्स यहाँ पे आप देख पाएंगे, जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आपको दिखाई देने लगा होगा। देखिए तो अभी मुझे रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करने के लिए अपनी टाइमलाइन को सेट कर लें, जहाँ पे आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। मैंने बेसिक एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ वीडियो किया, तो मैं स्टार्ट में चला जाता हूँ और यहाँ पे मेरा रिकॉर्ड बटन है। जब मैं इस रिकॉर्ड बटन में क्लिक करूँगा उसके बाद मेरी आवाज़ यहाँ पे रिकॉर्ड होने लगी। चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करता हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराग और आप मेरे साथ देख रहे हैं लर्निंग लैब चैनल। तो आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं डाविंसी रिजॉल्व सॉफ्टवेयर के अंदर आप किसी भी वीडियो के अंदर वॉइस ओवर कैसे कर सकते हैं। देन आपको सिंपली स्पेस बार कर देना, उसके बाद आप कुछ ऐसा दिखाई देगा। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो ऑफ और रिकॉर्ड का ऑप्शन है इसे ऑफ कर देता हूँ। चलिए कैसा रिकॉर्ड हुआ चलिए देख लेंगे, एक बार सुनते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराग और आप मेरे साथ देख रहे हैं लर्निंग लैब चैनल। तो आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं डाविंसी रिजॉल्व सॉफ्टवेयर के अंदर आप किसी भी वीडियो के अंदर वॉइस ओवर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मेरी आवाज़ तो यहां पे रिकॉर्ड हो गई है, अब इस रिकॉर्डेड आवाज़ में मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। तो कैसे कर सकता हूँ, मुझे क्लिक करना है इंस्पेक्टर टैब में, जो यहाँ से मैं अपनी आवाज़ को कम देखें थोड़ा इसको जूम करके बढ़ा लेता हूँ। तो मुझे रेस करना है, अपनी आवाज़ को थोड़ी बढ़ानी है, कम करनी है, तो यहाँ से मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप इसे देख रहे हैं लर्निंग लैब चैनल। तो ये था कि आप किसी भी आवाज़ को रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एडिट टैब में आऊँ, मुझे यहाँ टाइमलाइन मिल गई है और टाइमलाइन के अंदर जो मेरी रिकॉर्डेड आवाज़ है वो भी मिल गई है। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी वीडियो के अंदर वॉइस ओवर कर सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल और आसान है। तो एक बार करके देखिए और हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपने इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, ख्याल रखिए अपना।